बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपा ज़हरा सिलाई सेंटर। तमाम स्टूडेंट्स और नए देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम ट्यूलिप शलवार की कटिंग सिलाई करते हैं। लेस लगाकर हम इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये आसन की सिलाई लगानी है, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले हम निशान लगा लेते हैं इस तरह। सिलाई लगानी है, दबाव छोड़ के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। ये अब हम सिलाई लगाते हैं। ये कपड़ा कटिंग करके रेब में आ जाता है, तो इसको ज़रा एहतियात से ही सिलाई लगानी पड़ती है, खींचना नहीं है ताकि छोटा बड़ा ना हो जाए। आराम आराम से सिलाई लगाते जाना है। अब हमने गोलाई में यहाँ पे कट लगा लेने हैं ताकि सीधा करें तो बल ना पड़े। देखिए, अब हमने आसन की सिलाई को दोनों सिरों से पकड़ के सीधा करना है। ऐसे पकड़ के ऐसे सीधा करना है। सबसे पहले हम अगर ये सिलाई लगा लें तो फिर मुश्किल नहीं होती, सलवार बिल्कुल सही तरीके से जुड़ जाती है। ये देखें, ये दरमियान वाला पहले जुड़ गया आसन, तो अब ये पीछे वाली साइड जो है, ये छोटी साइड आगे वाली है, ये बड़ी साइड पीछे वाली है। इसको उल्टा के ऐसे हमने आगे लेके आना है, ऐसे। ये हमने 3 इंच छोड़ के तो यहाँ तक रखना है, और इसी तरह हमने इधर वाली साइड भी पीछे वाली जो है वो आगे को ले के आनी है। ये देखें, ये ऐसे आगे रख लेनी है। ये ऐसे पैंचा जहाँ पे सेट हो उतना खुला रखना है, और ये भी। तो ये आसन के सीधी सीधी सिलाई रखनी चाहिए। ये अब हमने इसकी जो नीचे वाली तय है इसको फोल्ड करना है। अगर ना करें तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर करना इसको करना है। पहले फोल्ड हो जाएगा तो लैस लगाने में आसानी हो जाएगी, फिर वो नीचे वाला कपड़ा नहीं बाहर नज़र आएगा। ये रेशमी कपड़ा, इसको फोल्ड भी बड़ी एहतियात के साथ करना है। जो नए सीखने वाले हैं, अगर सही तरीके से नहीं फोल्ड होता तो पहले कच्ची सिलाई से कर लें, फिर डबल सिलाई लगा लें, फिर आसानी के साथ फोल्ड हो जाता है। जहाँ पे गुलाई हो वहाँ से फोल्ड करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है। जब सिलाई आ जाए फिर तो रेशमी हो, सूती हो, कोई भी हो, फिर आसानी के साथ ही हो जाते हैं सारे। कैसे फोल्ड करते जाना है। नाज़रीन, आपने अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। इसी तरह हमने दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेनी है, ये वाली साइड। तो हमने फोल्ड कर लिया है, अब इसको हमने सीधे तरीके से बिछा लिया है। ये देखें, पीछे वाले पार्ट दोनों आगे आ रहे हैं,
ऐसे, ये फ्रंट पे आ जाएंगे दोनों। अब हमने ये पंचों पे लेस लगानी है ऐसे, और ये सीधी लेके जानी है, पंचे से स्टार्ट करनी है और ऊपर तक लेके जानी है। तो ये हमने पंचे का निशान लगा लिया, और इसके ऊपर 2 इंच ऊपर हमने एक निशान लगाया है, ये 2 इंच ऊपर से हमने स्टार्ट करनी है लेस लगानी। जब पंचा बंद करना है तो फिर वो नज़र नहीं आती, जोड़ नहीं नज़र आता फिर, और ऐसे आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता लगानी है, खींचना नहीं है, ढीला ढीला कपड़ा रखना है और ढीली लेस रखनी है। और इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी लगा लेनी है लैस, जैसे इधर लगाई है। तो फिर मैं लगा के आपको दिखाती हूँ, ऐसे लगा देनी है इधर भी, ये देखें। तो जी मैं पूरी लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखें जी, आसन वाली सिलाई को ऐसे जोड़ के तो पिन लगा लेते हैं यहाँ पे, ऐसे पिन अप कर लिया हमने, और इसको ऐसे सीधा रख के, तो ये जो निशान लगा हुआ है इस निशान के ऊपर ऊपर हमने लैस वाली जो सिलाई है उसको लगाना है, ऐसे इसके ऊपर रख के फिर लगाते जाना है ऐसे पंचे तक, जहाँ तक पंचा आपका सेट हो, 6-7 इंच जितना आप रखना चाहें उतना रख लें। यहाँ पे भी पिन लगा लेते हैं पहले, ये 1-2 जगह पे हमने पिन लगा ली है। तो अब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, यहाँ से आके बड़ी एहतियात से सिलाई लगानी है, क्योंकि ये नीचे वाला कपड़ा जो है वो रेब है और ऊपर वाला जो है वो सीधा है, तो नीचे वाला ढीला ढीला रखना है। अगर नीचे वाले को खींच पड़ गई तो फिर वो सही नहीं बनेगा, बाल आएंगे। नीचे से भी देखना है कि नीचे वाली तह भी अंदर ना आ जाए सिलाई में, और ऐसे आराम आराम से सिलाई लगाते जाना है निशान के ऊपर ऊपर। निशान लगा लें तो सही है, नहीं तो टेढ़ी हो जाती है। निशान लगा के ऊपर पिनअप कर लें, ये देखिए, ये नीचे वाला कपड़ा भी सेट करते जाना है साथ साथ। ट्यूलिप में बस यही सिलाई ज़्यादा मुश्किल लगती है, ऐसे यहाँ पे ज़रा पक्का कर लेना है। और इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी लगा लेनी है, जैसे ये लगाई है इसी तरह दूसरी साइड पे भी, दोनों साइडों पे हमने लगा लिए। तो अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर उसको इसके साथ मिला लेते हैं, ताकि चुनर डालने में हमें मुश्किल ना हो। ये ऐसे साथ लगा के तो सिलाई लगा लेनी है, और इसी तरह दूसरी साइड से भी साथ जोड़ देना है। अब ऐसे प्लेट डालने हैं, बेल्ट डाल लेनी है ऊपर। तो अब मैं बेल्ट तैयार करती हूँ। तो नाज़रीन, ये बेल्ट तैयार हो गई है, ये हमने बाहर वाली साइड से कट लगा लेने हैं दोनों तरफ। इसी तरह हमने शलवार को भी कट लगा लेने हैं, ऐसे सीधा करके आसन की सिलाई जो है वो साथ मिला के, तो एक कट इधर लगा लेना है
और दूसरा कट जो है इधर दरमियान में लगा लेना है ऐसे। तो अब हमने बेल्ट स्टार्ट करनी है, ये दरमियान वाला, तो ये लेस से हमने स्टार्ट करनी है बेल्ट लगानी अगली साइड से। तो ये दरमियान में सिलाई रहे, अब प्लेट डालने हैं, ये हमने लेस की तरफ डालने हैं प्लेट ऐसे। इन प्लेटों का रुख लेस की तरफ हो, यानी फ्रंट साइड से आगे की तरफ डालने हैं। ये हमारे तकरीबन चार प्लेट इधर आएंगे, चार दूसरी साइड पे अगली तरफ। तो ये कट के साथ कट मिलना चाहिए, अगर कट आगे पीछे हो गया तो फिर वो बल में फ़र्क आएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। ये 10 इंच पीछे से हमने निशान लगा लेना है, 5-5 इंच दोनों तरफ। तो इसके दरमियान में प्लेट डालने हैं, ये बाहर की तरफ डालने हैं पीछे वाले। बेल्ट की और आसन की सिलाई जो है वो साथ मिलनी चाहिए। ये निशान मिला लेते हैं पहले, एक जैसा हो जाए ताकि कपड़ा एडजस्ट हो जाए सारा इसमें। सही है, अब फिर ये फ्रंट साइड आ गई, चार प्लेट इधर डालने हैं हमने, तकरीबन 1.5-1.5 इंच के फासले पे डालने हैं। लैस के पीछे पीछे बस। तो नाज़रीन उम्मीद है आप आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अब हम सीधी करके देखते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। यस।